ETTM BSTC से जुड़े समस्त साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, यह वीडियो BSTC और PTT दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश परीक्षार्थी BSTC और PTT इन दोनों के झमेले में उलझे हुए हैं। काफ़ी साथियों की कमेंट आई है इससे संबंध में कि PTT करें या BSTC या फिर PTT की, चूँकि अब 6 तारीख से कल से आपको कॉलेज जो चूज करने हैं, महाविद्यालय चयन का विकल्प भी कल से खुल जाएगा और BSTC का परिणाम भी आ चुका है। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके BSTC में भी काफ़ी अच्छे अंक हैं, 400 प्लस अंक हैं या 380 प्लस अंक हैं, तो उनको अब BSTC की तरफ रुझान उनका बढ़ रहा है क्योंकि वो इससे पहले भी PTET की रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए करा चुके हैं। ऐसे में इन सभी परीक्षार्थियों के सामने कुछ समस्याएं हैं, इनमें हम आपको बता दें कि PTET की काउंसलिंग करा चुके हैं और अब वो BSTC करना चाहते हैं, तो अब उनका एक ही सवाल है कि PTET की रजिस्ट्रेशन फ़ीस का क्या होगा। यदि BSTC में भी कॉलेज आवंटन नहीं हुआ तो फिर BSTC की काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक होगी, ये कुछ समस्याएँ जिनको लेकर के आज ये वीडियो बनाई जा रही है। साथियों, आपको बता दें यदि आप PTET की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 5,000 रुपये फ़ीस के साथ में यदि आपने रजिस्ट्रेशन करा दी है तो निश्चिंत रहिए, रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है क्योंकि अब के बार BSTC की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी निश्चित करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि साथियों, आपको बता दें पूर्व अनुमान के मुताबिक 420 प्लस जनरल में जाने वाली थी BSTC की कट ऑफ, लेकिन अब के बार हो सकता है ये कट ऑफ खिसक करके 400 या 390 तक भी आ सकती है जनरल कैटेगरी की। इसलिए साथियों, आपको बता दें आपको BSTC की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर कराना है। यदि आप BSTC करना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी में आपके 400 मार्क्स या 390 मार्क्स तक भी हैं तो आप अवश्य ही BSTC के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराइए। यदि आपको लगता है, क्योंकि नेक्स्ट 2 या 3 दिन में और बिल्कुल BSTC कट ऑफ के संबंध में रुझान स्पष्ट हो जाएगा, तो साथियों यदि आप BSTC करना चाहते हैं और PTT में आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक काम करना है कि पहले अब जो महाविद्यालयों का चयन है वो आप अवश्य कर लीजिए, इसके बाद जैसे ही कॉलेज आवंटन की सूची डलेगी तब आपसे 22,000 रुपये की फ़ीस PTT में भरवाई जाएगी, उस फीस को आपको अभी नहीं भरना है। अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें, यदि आपने ये 22,000 रुपये फ़ीस भर दी, ये फ़ीस वापस हर हाल में नहीं होगी। 5,000 रुपये की फ़ीस की शर्त यह है, यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं होता है PTT में तो केवल 200 रुपये आपके लैस होंगे, यदि कॉलेज आवंटित हो जाता है तो फिर आपके 600 रुपये लैस होंगे। तो अच्छी तरह से सुन लें कि जिनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है उनके 200 रुपये, कॉलेज आवंटित होने पर 600 रुपये लैस होकर के और जनवरी तक आपके खाते में अकाउंट में पैसे बाई चेक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो साथियों, आपको बिल्कुल भी इसमें दुविधा में नहीं रहना है क्योंकि BSTC पर अभी असमंजस बना हुआ है, PTET में स्पष्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजों का चूज भी कर लेना है। और अब चूंकि जल्दी 10 तारीख तक 10 जुलाई तक उम्मीद जताई जा रही है कि BSTC की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो आपको BSTC की रजिस्ट्रेशन भी कराना है और तब तक यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि BSTC की फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो आप साथियों अच्छी तरह से ध्यान दें, आपको अभी कॉलेज जो फीस है, कॉलेज आवंटन के पश्चात जो 22,000 रुपये की फ़ीस है वो PTT में जमा नहीं करानी है। ये कुछ क्वेश्चन थे साथियों, और आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी काफ़ी कमेंट आ चुके हैं, फीस से रिलेटेड भी काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि BEd में और BSTC में स्कॉलरशिप कितनी और क्या और कैसे मिलती है। इसी के साथ PTET की कंप्लीट फ़ीस और BSTC की कंप्लीट फ़ीस की क्या प्रोसीजर है, इन सब के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको इससे संबंध में भी वीडियो जल्दी मिलने वाली है। साथियों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो BSTC और PTET के वर्ष पर्यंत चलने वाले कार्यक्रम की प्रत्येक अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद हमारी प्रत्येक वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाएगी और एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे